आज दिल्ली के 30,000 कोर्ट परिसर में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच गाड़ी खड़ी करने पर मामूली विवाद बना बड़ा हिंसक फसाद। मामला कुछ ऐसा था कि कोर्ट परिसर में बनी अस्थाई जेल के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर वहां तैनात दिल्ली पुलिस के 3rd बटालियन के एक पुलिसकर्मी ने एक वकील को ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर वकील ने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज की और कहासुनी होने पर पुलिसकर्मी को धक्का दे मार थप्पड़ जड़ दिया और अपना काम करने के लिए कोर्ट परिसर चला गया। वकील जब वापस लौटा तो उस पुलिसकर्मी ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ उस वकील की पिटाई कर दी और भागकर कोर्ट परिसर की पहली मंजिल में बनी पुलिस चौकी में खुद को बंद कर लिया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों व वकीलों के अन्य गुटों के बीच कोर्ट परिसर की जेल के बाहर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 2 वकील घायल हो गए, जिसके बाद वकील समुदाय भाग गया और उन्होंने जमकर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस पूरे परिदृश्य को अपने फोनों में रिकॉर्ड करने वाले लोगों के साथ भी वकीलों ने मारपीट की और उनके फ़ोन छीनकर तोड़ डाले। इसी बीच पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस आयुक्त उपायुक्त महोदय जब कोर्ट परिसर पहुंची तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें परिसर में दाखिल नहीं होने दिया गया। तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस ने अपने बल का प्रयोग करते हुए वकीलों को वहां से खदेड़ा और कोर्ट परिसर में फंसे हुए लोगों और कैदियों को बाहर निकाला। इस पूरे घटनाक्रम में गलती पुलिस की भी थी, क्योंकि इतने मामूली से विवाद में फायरिंग होना निंदनीय तो है ही, वहीं खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले वकीलों द्वारा भी आगजनी करना, सार्वजनिक संपत्ति व लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एवं आम जनता के साथ मारपीट करना भी कतई बहादुरी नहीं कही जा सकती। इसी मीडिया के सामने आप कह रहे हैं कि आप हमारी दास्तान सुनिए और हम लोगों के कैमरे तोड़े गए, लोगों जो वीडियो बना रहे उनके फोन छीने गए, वो क्यों गए? सर मैंने खुद का फोन टूटा है, नहीं किया। पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जो हुआ आपने उसको विजुलाइज किया, पहले किस तरीके से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? आप एक चीज बताइए, मैंने सब सबकी बातें सुनी, क्या हुआ? छोटी सी बात के ऊपर गोली चल जाए यार दिल्ली के अंदर, कोर्ट के अंदर और वकीलों के ऊपर, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। मैं इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहा हूं, एज डर दिया कि आई स्ट्रॉन्गली कंडेम इट एंड आई स्टैंड विद ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। और जो भी जिन्होंने ये काम किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूं। और इनको अपने वकील भाई बहनों को आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम इन्हें जो दोषी हैं उनको सजा जरूर दिलवाएं। जब वकील ही महफूज नहीं है तो आम आदमी क्या महफूज होगा? नेचुरली अगर वकीलों की जब वकील ही महफूज नहीं है, छोटी सी बात के लिए, एक पार्किंग के लिए यार फायरिंग हो रही है यार।